फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस विजन। आपके फा के जो पेपर हैं वो 16 से स्टार्ट हो रहे हैं, परसों से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज हम जो है केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज करेंगे उसी बेसिस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर? ऑर्डिनरी टेम्परेचर मीन्स रूम टेम्परेचर। कौन सा होता है इनमें से? ए जर्मेनियम, बी गैलियम, सी गोल्ड, डी गैलिना। तो कौन सा होता है? केलियम। केलियम जो होता है वो ऐसे, अगर आपको पूछा जाए कौन सा मेटल होता है तो मेटल होता है मरकरी, और नॉन मेटल में ब्रोमीन। ये नॉन, ये लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर में गैलियम भी होता है। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग मेटल। अब आपको बताना है इनमें से, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में के हिसाब से सबसे पहले कौन सा मेटल लगा? जिंक, आयरन, मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम? आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, ये इसके बाद होना चाहिए। ये तो गलत है, ये भी गलत है। आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, जिंक ज़्यादा है ही नहीं। आयरन, जिंक, ये ठीक है। देखें पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद मैग्नीशियम, देन जिंक, देन आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल जनरली क्या होते हैं? ए रिड्यूसिंग एजेंट, बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सी बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, डी नन ऑफ द एबो। तो कौन से होते हैं मेटल जो जनरली होते हैं, क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक। नेक्स्ट, द मोस्ट एविडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट पे पाया जाने वाला मेटल कौन सा होता है? ए आयरन, बी कॉपर, सी अल्मोनियम, डी मर्क्यूरी। तो कौन सा होता है? अल्मोनियम। नेक्स्ट, द मेटल दैट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इज, जो मेटल कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाए, ए मरकरी, बी सोडियम, सी जिंक, डी टंगस्टन। ये बहुत इजी है, सोडियम। दैट्स व्हाई सोडियम वाटर, सोडियम इज कैप्ट अंडर केरोसिन। नेक्स्ट, द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, अभी बोला मैंने कौन सा है? मरकरी। नेक्स्ट, केमिकली रस्ट इज, केमिकली रस्ट क्या है? ए हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, बी हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, सी फेरिक ऑक्साइड ओनली, डी फेरस ऑक्साइड ओनली। तो क्या होता है रस्ट जो है वो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ओनली। ओके। नेक्स्ट, अल्मोनिया इज चीफ ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है अल्मोनिया इसमें से किस चीज की ओर है? सोडियम की, पोटेशियम की, कैल्शियम की या फिर अल्मोनियम की? तो अल्मोनिया किसकी ओर है? अल्मोनियम की। हॉर्न सिल्वर इज, हॉर्न सिल्वर क्या है? एन ऑक्साइड ओर ऑफ सिल्वर, ऑक्साइड ओर सिल्वर की, सल्फाइड ओर ऑफ सिल्वर, सल्फाइड ओर, कार्बोनेट ओर ऑफ सिल्वर या फिर क्लोराइड ओर। इन चारों में से सिल्वर की कौन सी ओर है? ये ऑक्साइड है, सल्फाइड है, कार्बोनेट है या क्लोराइड है? याद रखना कौन सी है? क्लोराइड ओर, क्लोराइड ओर ऑफ सिल्वर को क्या कहा जाता है? हॉर्न सिल्वर। नेक्स्ट, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस फ्रॉम विच ए मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली और इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड। अब आपको बताना है नेचुरली ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिससे मेटल जो है हम नॉर्मली निकालते हैं? कौन सा मेटल? ओर्स, कैग, सॉल्ट्स। तो क्या होता है? ओर्स। नेक्स्ट, सिनेबार इज ए ओर ऑफ, सिनेबार किस चीज की ओर है? ए मरकरी, बी कॉपर, सी लेड, डी जिंक। तो किसकी है? मरकरी की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर, इनमें से कौन सा एक ओर नहीं है? बॉक्साइड, मेलसाइट, जिंक, ब्लेंड, पिकायरन। तो कौन सी नहीं है? लास्ट वाली नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डज नॉट कंटेन अल्मोनियम, अब आपको बताना है इनमें से कौन से एक मिनरल में अल्मोनियम नहीं होता है? ए क्रायोलाइट, बी माइका, सी फेल्सपार, डी फ्लास्फर। तो कौन से वाले मेटल में नहीं होता है? फ्लोर स्पार में। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइटिस, मैग्नेटाइट का आपको फॉर्मूला बताना है क्या होता है? ए एफ ई टू ओ थ्री, एफ ई एस ओ टू, एफ ई सी ओ थ्री, एफ ई थ्री ओ फोर। तो आपको बताना है मैग्नेटाइट का, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है एफ ई थ्री ओ फोर। नेक्स्ट, कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कॉपर जो है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ए कॉपर निकल, बी डोलोमाइट, सी ग्लेना, डी
मेलेसराइड। कहाँ से किया जाता है कॉपर? मेलेसराइड पे। नेक्स्ट, अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इनकरेक्ट वन इज, अब आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है। कैलामाइट एंड साइडराइट आर कार्बोनेट्स, कैलामाइट और साइडराइट कार्बोनेट्स हैं, बिल्कुल हैं। एर्गिटाइट एंड क्यूपराइट्स आर ऑक्साइड्स, नहीं, क्यूपराइट्स इज नॉट ऑक्साइड। नेक्स्ट, जिंक प्लांट्स एंड, बाकी सब तो ठीक ही होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ओर कंटेन्स बोथ आयरन एंड कॉपर। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ओर है जिसमें आयरन भी हो और कॉपर भी हो, बोथ हो। ए क्यूपराइट, बी चेलकोसाइट, सी चेलकोपायराइट, डी मेलाचाइट। आयरन का ऐसी कोई ओर जिसमें कॉपर और आयरन दोनों हो, तो वो कौन सी होती है? चेलको क्यूपराइट। नेक्स्ट, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस हीटिंग द ओर। कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें हीट को हीट किया जाता है ओर को। ए इन द ब्लास्ट फ्यूरेंस, बी इन द एब्सेंस ऑफ फायर, सी इन द प्रेजेंस ऑफ फायर, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ फायर, कैल्सिनेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट, इनमें से कौन सा ऐसा जो है वो हम नहीं ले सकते किसकी वजह से? एक्वस सॉल्यूशन की वजह से। ए सिल्वर, बी मैग्नीशियम एंड अल्मोनियम, सी कॉपर, डी क्रोमियम। तो कौन सा नहीं लिए जा सकते? मैग्नीशियम और अल्मोनियम को हम। ए नेक्स्ट, स्टूडेंट एडिट जिंक ग्रेन्यूल्स टू कॉपर सल्फेट। एक स्टूडेंट ने जिंक ग्रेन्यूल को ऐड किया कॉपर सल्फेट के साथ टेस्ट ट्यूब में, आउट ऑफ इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी? जिंक ग्रेन्यूल्स हैव नो रेगुलर शेप, जिंक ग्रेन्यूल का कोई रेगुलर शेप नहीं है, जिंक हैव सिल्वरी ग्रे कलर, जिंक का ग्रे कलर है कोई, द कलर ऑफ द जिंक ग्रेन्यूल्स चेंज्ड टू ब्राउन ब्राउनिश, कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, व्हेन सोडियम इज एक्सपोज्ड इन एयर, जब सोडियम को एक्सपोज किया जाता है एयर में तो क्या फॉर्म होता है? Na2O, NaOH, Na2CO3, तीन के तीनों होते हैं, कुछ भी हो सकता है इनमें से फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन ए मेटल इज एडिड टू डाइल्यूट HCl, जब कोई भी मेटल ऐड किया जाता है डाइल्यूट HCl को, तो सॉल्यूशन देयर विज बी एवोल्यूशन ऑफ गैस, तो एवोल्यूशन होगा गैस का। मेटल इज, अच्छा आपको बताना है वो कौन सा मेटल है जिसमें HCl की वजह से जो है किसी गैस का एवोल्यूशन नहीं होगा, ऐसा कौन सा मेटल है? अदरवाइज हर किसी में हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी, तो ऐसा कौन सा मेटल है? पोटेशियम के साथ तो बनेगा, सोडियम के साथ भी बनेगा, सिल्वर। सिल्वर रिएक्ट ही नहीं करेगा, है ना। नेक्स्ट, Zn प्लस H2O gives us A, क्या देता है? जब जिंक को वाटर के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? जिंक और हाइड्रोजन, जिंक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिंक ऑक्सीजन और O2, जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, क्या मिलेगा? जिंक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्साइड ओर, अब ऑक्साइड की कौन सी ओर है? ब्रैक्साइड, क्रूपराइट, हिमाटाइट, ये सारी हैं, जबकि ये अल्मोनियम की है, ये आयरन की है, ये कॉपर की है, बट इनमें से सारी की सारी जो है ऑक्सीजन की ओर से। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर इज नाउन एज, जो इम्प्योरिटीज निकाली जाती हैं कहाँ से? ओर से, उसको हम क्या कहते हैं? ए क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, बी कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सी कैल्सिनेशन, डी रोस्टिंग। कंसंट्रेशन, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग तो प्रोसेस आते हैं जिसमें से ओर से मेटल निकाला जाता है। नेक्स्ट, विच रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड इन केमिकल रिडक्शन, केमिकल को रिड्यूस करने के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है? ए कैल्शियम, बी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, डाइऑक्साइड नहीं, सी अल्मोनियम, डी ऑल ऑफ द एवो। तो सबके सब जो है रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अल्मोनियम इज यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग, बिकॉज अल्मोनियम को यूज किया जाता है थर्माइट वेल्डिंग में, क्यों? अल्मोनियम इज अ लाइट मेटल, अल्मोनियम हैज मोर इन्फिनिटी फॉर ऑक्सीजन, अल्मोनियम इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्मोनियम इज अ रिएक्टिव मेटल।
इसका ये आएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट. एल्यूमिनियम के पास मोर एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए इसलिए. नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन. मेटल की उसके ओर से उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मेटलर्जी. उसके बाद प्यूरिफिकेशन, कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन एक तरीका है जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है. कंसंट्रेशन होता है इम्प्योर या डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करना वहाँ से, और प्यूरिफिकेशन होता है बाद में मेटल्स को प्यूरिफाई करना. नेक्स्ट द प्रोसेस टू हीट द ओर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर ब्लो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड. एक प्रोसेस हीट का उसके मेल्टिंग पॉइंट तक उसको एयर सप्लाई करना उसको क्या कहा जाता है. ए रोस्टिंग, बी कैल्सिनेशन, सी स्मेल्टिंग, डी लिक्विनेशन. तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रोस्टिंग. नेक्स्ट ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ. अब ब्रास जो है वो एक अलॉय है. वो किस किस का मिक्सचर है. ए कॉपर एंड जिंक, बी कॉपर एंड टिन, सी कॉपर निकल जिंक, डी ये टॉपर है. टॉपर नहीं कॉपर है. अल्मोनियम कॉपर ट्रेसेस ऑफ मैग्नीशियम एंड मैगनीज. तो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है ब्रास. नेक्स्ट द वाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन. जो वाइट फॉस्फोरस है उसको कहाँ स्टोर करते हैं. एयर, अंडर वाटर, अंडर कैरोसिन, अंडर CH2. तो कहाँ करते हैं, अंडर वाटर. नेक्स्ट अल्मोनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम प्यूरिफाइड बॉक्साइड बाय. अल्मोनियम जो है वो ऑब्टेन की जाती है बॉक्साइट से किस प्रोसेस के थ्रू, मतलब कौन सी मेटलर्जी प्रोसेस के थ्रू. ए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, बी स्ट्रांगली हीटेड विद कोक, सी स्ट्रांगली हीटेड विद करंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, डी स्ट्रांगली हीटेड करंट ऑफ H2. तो किसके साथ की जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू. नेक्स्ट सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ. सोडियम को किस किस की इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से निकाला जाता है. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड या फ्यूज्ड सोडियम सल्फेट. तो फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड से. द चीफ ओर ऑफ अल्मोनियम इज, सबसे ज़्यादा ओर जो पाई जाती है अल्मोनियम की कौन सी. ए बॉक्साइड, सी बी क्राइलाइट, सी एलुनाइट, डी फेल्ट सल्फर. तो कौन सी ओर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबको पता होगा बॉक्साइट. फोर्थ फिफ्थ में ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं हम अल्मोनियम की ओर. नेक्स्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एमंगलम इज. ए अल्मोनियम, बी कॉपर, सी आयरन, डी मरकरी. तो कौन सा है मंगलम का एक कॉन्स्टिट्यूशन, मरकरी. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विद वाटर स्टीम टू प्रोड्यूस ऑक्साइड इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्साइड. इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्साइड की जगह. ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम, डी मैग्नीशियम. ये अच्छा क्वेश्चन है एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट. मैग्नीशियम. ठीक, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्साइड बनाता है ना कि हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग ऑक्सीजन. अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. ए क्लोरीन, बी सल्फर, सी फॉस्फोरस, डी मैग्नीशियम. कौन सा करता है, मैग्नीशियम. नेक्स्ट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी केप्ट सेफली केप्ट इन एन कंटेनर मेड ऑफ. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को आप किस में डाल सकते हो. ए अल्मोनियम, बी लेड, सी सिल्वर, डी जिंक. तो किस में डाल सकते हैं, सिल्वर वाले में, क्योंकि सिल्वर वाले में वो रिएक्ट नहीं करेगा. सिल्वर बहुत बहुत कम रिएक्ट करता है. मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म. ऐसा कोई मेटल जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और बनाता है. ए न्यूट्रल ऑक्साइड, बी बेसिक ऑक्साइड, सी एसिडिक ऑक्साइड, डी नन ऑफ द अबव. तो क्या बनाते हैं मेटल्स, मोस्टली बेसिक ऑक्साइड. नेक्स्ट द मेटल यूज टू बिल्ड ब्रिजेस. अब आपको बताना है ब्रिजेस किस मेटल से बनती हैं. ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी प्लेटिनियम, डी आयरन. किससे बनती हैं, आयरन के ब्रिजेस बनते हैं. थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर. अगर आप चाहते हैं और ऐसे लेक्चर्स आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.